प्रशासन से हमारे पास आदेश आए हुए हैं, अगर ग्राम समाज पे या खलियान पे किसी कब्जा है तो शासन आदेश ये बोलता है कि इसे आप कब्जा मुक्त कराएं। अगर आपसे पब्लिक नहीं मानती है तो आप प्रशासन का मदद लें। तो आज इसी को लेकर आपने गांव वासियों के बुलाया साथ है। मीटिंग करी है। हाँ, सहमति ये कुछ लोग यहाँ पे जो इस पे घूरा डालते हुए हैं आज से नहीं 20 साल से है, मगर हाँ, तब ये तक सड़क कोई वाला भी गवर्नमेंट की उसी इसकी के। जरूरत नहीं थी। आज हमारे पास ये एक शासन आदेश आया हुआ है, अगर आपके पास खलियान या ग्राम समाज की जगह है तो आप उसमें बच्चों खेलने का मैदान बनाएं। तो इसलिए हमने अनुरोध पहले भी करा है और लेखपाल जी से भी नोटिस कराए हैं लोगों को। अभी तक इन लोगों ने, जिन्हें घूरे नहीं उठाए, उसको हम फिर से नोटिस करवाएंगे कि आप लोग इसे हटा लीजिए, हम इसमें खेल का मैदान बनाएंगे। अगर ये लोग नहीं मानते तो प्रशासन को लिखेंगे और प्रशासन हमारी मदद करेगा तब तो आगे बढ़ेंगे, तो नहीं बढ़ेंगे आगे। अच्छा, तालाब जो सूखे पड़े थे उसमें पानी निधि से इस चीज को करवाएं। तो ये हमें शासन आदेश करे या ब्लॉक हमें आदेश करे कि अब आप फिलहाल अपने अपने निजी खर्च से आप नहीं निधि, कराया है। मैं कराता हूँ, मेरे आपको भी तालाब दिखाऊंगा जो मैंने अपने निजी खुद बनाया था। उसमें मैं हर साल हफ्ते में पानी कम हो जाता फिर उसमें जलवाता हूँ और इतना पानी भरवाता हूँ जिसमें जानवर नहा ले आता से और कहीं कोई परेशानी ना हो। और आज हमारे सरकारी तालाब 4 है गाँव में, किसी में एक बूंद पानी नहीं है। और जो मैं करता हूँ अपने निजी पैसे से करता हूँ इस काम को। जो मतलब सरकारी जमीन है उसी के कब्जा मुक्त करने के लिए ही किया जा रहा है, जैसे कि खेल का मैदान। अच्छे जो जगह पड़ी हुई है मतलब खाली इस समय सरकारी जमीन, उसी के लिए मतलब खेल का मैदान बने। और कम जगह है तो उसके अकॉर्डिंग कि उसमें ग्राउंड बन जाए टहलने का, क्या मतलब ये होता है। सरकारी आदेश क्या है? डीएम साहब ने किस तरीके के निर्देश दिए हैं? डीएम साहब ने आदेश यही दिए हैं कि जो मतलब कौन सी वाली जगह है, ग्राम पंचायत के सामने, ग्राम पंचायत के वो सामने ग्राम मतलब पंचायत भवन में पांच कितना लीजिएगा, 5.5 बीघा जमीन है, उसमें हम ग्राउंड बनाएंगे। और उसको खाली कराने के लिए चर्चा की गई है। खाली कराने के लिए जब कूड़ा पड़ा हुआ है मतलब गूड़, इसको खाली करवाना है कि अपने मतलब या तो मनरेगा से काम हो जाएगा, मनरेगा से ही काम करने के लिए बोला है कि ये खाली हो जाएंगे जिससे कि गंदगी ना हो गाँव में, स्वच्छ रहे। क्या नाम है आपका? धनवती।